Good morning, dear students. You are welcome to the e-learning class of class 8 हिंदी थर्ड लैंग्वेज. आप सभी का हिंदी थर्ड लैंग्वेज के e-learning क्लास में हार्दिक स्वागत है. तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जो है पुट्टी के एक्स्ट्रा कुछ मेक सेंटेंसेस एंड उसका एक डैश फिलअप था वो हमने किया है, ठीक है. आज हम लोग जो हैं इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, कौन से मौखिक वाले क्वेश्चन आंसर. यहाँ पे मैं एक बात कह लूँ, मौखिक वाले क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कॉपी में नहीं करेंगे. नहीं करेंगे मतलब नहीं, मतलब करेंगे, कॉपी में ही करेंगे, लेकिन इसको अभी हम लोग जो है फाइनल के लिए रेडी नहीं करेंगे. हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम लोग बाकी का ही पढ़ेंगे. मौखिक को हम लोग, मौखिक लिखा हुआ है लेकिन इसके आंसर लिख करके हम लोग बुक में नहीं करके कॉपी में करेंगे. यही मैं बोलने जा रही थी, मैंने बोल दिया कि कॉपी में नहीं करेंगे. एक्चुअली कॉपी में करेंगे, बुक में नहीं करेंगे, और लिख करके रख देंगे. ये एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा ये बात की बात है. ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है क्योंकि इस बार हमारा सारा फॉर्मेट चेंज हो रहा है, तो ये आ भी सकता है. लेकिन जिनका मैंने नहीं कराया है, जिन चैप्टर्स का, उनके लिए आप उसको ना करें. लेकिन इस चैप्टर का मैं आप लोगों को क्योंकि करने के लिए कह रही हूँ, इसलिए आप लोग इसको कॉपी में ज़रूर करें. अब कैसे करेंगे, बात यह है कि मैं आप लोगों को लिख करके प्रोवाइड नहीं करूँगी, मैं केवल डिस्कस करूँगी. अभी ये आपको खुद लिखना है. क्यों लिखना है? क्योंकि आप लोगों के थर्ड लैंग्वेज के स्टूडेंट्स का मेन प्रॉब्लम होता है राइटिंग. राइटिंग स्किल डेवलप नहीं हो पाता है, और इस वजह से क्या होता है, चार साल हिंदी पढ़ के भी आप वंचित रह जाते हैं. चार साल बाद भी जब आपको कहीं पर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी लिखना पड़ता है, या कहीं पर आपको हिंदी बोलना पड़ता है, तो आपका शॉर्टकमिंग्स रह जाता है आपके राइटिंग स्किल की वजह से. इसीलिए आप शुद्ध रूप से हिंदी को नहीं सीख पाते. इसलिए इसको आप लोग लिखेंगे. जिस दिन मैं बोलूँगी या फिर मैं असाइनमेंट के तौर पर दूंगी, उस दिन आप लोग मुझे अपलोड करके दिखाएंगे. उससे पहले आप लोग लिख करके रेडी करके रखेंगे, ठीक है. अगर आपने कोई फाइनल कॉपी नहीं भी बनाई है तो किसी भी कॉपी में लिख करके ज़रूर रखिए. आई वॉन्ट टू से दैट यू हैव टू राइट दिस आउट, ठीक है. मेरा मोटो यही है कि आप इसको लिखें, दैट्स इट. ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम. क्वेश्चंस पर आते हैं. देखिए, मोहन विजय सिंह के घर क्यों आता है? मोहन विजय सिंह के घर क्यों आता है? मोहन क्यों आता है विजय सिंह के घर? उसको स्कूल जाने के लिए बुलाने आता है. तो मोहन विजय सिंह के घर उसे विद्यालय ले जाने आता है. देखिए क्या लिखा है, वह शाला ले जाता था. रोज सवेरे आकर मुझको वह शाला ले जाता था, लिखा है ना. तो आप लोग क्या लिखेंगे कि मोहन विजय सिंह के घर, इतना पोर्शन आपको फ्रॉम द क्वेश्चन यू आर गेटिंग, ठीक है. तो मोहन विजय सिंह के घर उसे विद्यालय या पाठशाला ले जाने आता है. पाठशाला ले जाने आता है. तो आप कितना अपने से लिख रहे हैं, पाठशाला ले जाने, फिर आता है भी क्वेश्चन में लिखा है. तो मोहन विजय सिंह के घर, फिर क्यों के जगह पाठशाला ले जाने, केवल इतना आप ऐड कर रहे हैं, आता है. इतना क्लियरली बोलने के बाद मिस्टेक नहीं होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है, विजय सिंह किसे देखकर मन ही मन खुश हुआ? ये तो बहुत आसान है, आप भी आंसर जानते हैं. विजय सिंह किसे की जगह पर आप केवल लिखेंगे, मोहन. मोहन को देखकर मन ही मन खुश हुआ. अब क्योंकि आप क्लास 8 में हैं तो आप लोग थोड़ा आंसर के लेवल को हाई करने के लिए इसको लिख सकते हैं. मोहन अपने दोस्त विजय सिंह को देखकर मन ही मन खुश हुआ, ठीक है. सॉरी, विजय सिंह अपने दोस्त मोहन को देखकर मन ही मन खुश हुआ. माय मिस्टेक. विजय सिंह अपने दोस्त मोहन को देखकर मन ही मन खुश हुआ, ठीक है. उसके बाद है, विजय सिंह अम्मा से क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? देखो, दे दो हमको भी कुछ फूल, हमें खिला दो खाना अम्मा, अब हम जाएंगे स्कूल. तो क्या मांग रहा है माँ से? अम्मा से खाना मांग रहा है. तो विजय सिंह अम्मा से, यहाँ तक क्वेश्चन से लिखेंगे, खाना और मांग रहा है. यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं आंसर को थोड़ा. खाना के जगह पर आप लोग नाश्ता लिख सकते हैं. क्यों?
क्योंकि मॉर्निंग में जब हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग जनरली ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, तो ब्रेकफास्ट को हिंदी में नाश्ता कहते हैं। क्या स्पेलिंग है? न में आ की मात्रा, आधा श, त में आ की मात्रा, नाश्ता। तो विजय सिंह अम्मा से नाश्ता मांग रहा है या खाना मांग रहा है, वो आंसर सर करेक्ट। तो इनको करके रखिए, कभी भी मैं अपलोड करने बोल सकती हूँ आप लोगों को। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। धन्यवाद।